खरगोन जिले में सीवरेज जल आवर्धन योजना लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। वहीं शासन प्रशासन के दावों की पोल खुलने लगी है। हम आपको बता दें कि नगर में विगत दो वर्षों से खुदे गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, जो तालाब चौक में कुछ लोगों के नल कनेक्शन काट दिए गए, जिससे रहवासियों को पेयजल के लिए मारे मारे फिरना पड़ रहा है। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन पेयजल संकट को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिससे हम काफी परेशान हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अरे भैया कि नल और सीवरेज का काम चल रहा है और इन्होंने 6-7 दिन से ये गड्ढे गड्ढे जगह जगह गड्ढे करके छोड़ दिए। नल हमारा कनेक्शन, पुराना कनेक्शन जो था वो फूट गया है। हम उनको फोन लगाते हैं, आ रहे हैं करके चले जाते हैं, देख लेंगे, डाल देते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अब हमारे घर में पीने का पानी नहीं। कितने दिन से परेशान हो रहा है? हम 1 सप्ताह से परेशान हैं और रोज उनको फोन लगा के बुलाते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। क्या क्या परेशानी आ रही थी? जगह जगह इन्होंने खोद रखे हैं, नलों के कनेक्शन टूटे हुए हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा। पानी की व्यवस्था क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पानी? आने आने में भी दिक्कत हो रही होगी। हाँ, रास्ता ऐसा खोद खोद के चले जाते हैं, रोडें ऐसी अस्त व्यस्त करके रखी है, जहाँ जहाँ मिट्टी ढेर इकट्ठा कर दिए, पत्थर इकट्ठा कर दिए, निकलने में लोग तकलीफ हो रही है। घरों की नालियाँ फोड़ दी हैं, वहाँ घरों का पानी भी नहीं निकल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।